फ्रेंड, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। लोग आते हैं हर बार मसूरी एक्सप्रेस से, जो कि अब समय से 15 मिनट पहले आ चुकी थी। अब हम लोग जा रहे हैं अपनी न्यू जर्नी पे, स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रेन जो उतरते हुए तेरी वीडियो नहीं बनाई मैंने, पूरा ट्रेन ही खाली हो गया, पूरा हरिद्वार के ही सवार। सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है हरिद्वार आगे, हैं सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है, सारे हम ही देख रहे हैं। प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। सुबह सुबह भगवान शिव का दर्शन करते हुए, और वहाँ पे भी है, अरे वो वाला बनाया गया ऋषिकेश वाला, सेम टू सेम। और हम लोग निकल चुके थे हरिद्वार स्टेशन से बाहर हर की पौड़ी जाने के लिए, तो बीच में हमें एक चाय का टपरी मिल गया, तो वहीं पे जाकर हमने बैठ करके चाय बनवाया और दो चाय हमने पी। और ये भाई साहब अपने फ़ोन में लगे हुए थे, जो कि शुरू से ही लगे हुए थे। फिर हमें मिल गया एक रिक्शा, जो कि आपको हरिद्वार स्टेशन से बाहर हरदम मिल जाती है। तो ये भाई साहब मिले और इनको हमने 20-20 रुपया पर पर्सन दिए, और ये हमें सीधा लाकर छोड़ दिए हर की पौड़ी। हर की पौड़ी पहुँच के हमारा दिल प्रसन्न हो गया गंगा मैया का दर्शन करके। ये था सुबह का नज़ारा 6 बजे के आसपास, देख सकते हैं गंगा मैया अपनी धारा में बह रही हैं, और ये बहुत सारे लोग इस साइड नहा रहे थे। तो हम सीधा चल चुके थे हर की पौड़ी, जहाँ पे लोग नहाते हैं और जहाँ गंगा मैया की आरती होती है, हम वहीं पे जा रहे थे। तो हमें दिख गया है ये खाने पीने का दुकान था, नाश्ते का, और ये दुकान था जो कि गंगा माँ के सामने ही था। अब हम निकल चुके थे गंगा स्नान करने के लिए, तो हमने सोचा कि पहले देख लेते हैं ऊपर से कि कितना भीड़ है हर की पौड़ी पे। तो इसलिए हम लोग चल दिए ऊपर सीढ़ियों से और सीधा ऊपर गए। ऊपर जा कर के हमने देखा चारों तरफ का व्यू, तो भाई साहब सुबह सुबह, जो कि इतनी ठंड में इतने लोग नहा रहे थे कि आप विश्वास नहीं कर पाइएगा। आपको खुद दिखाते हैं हम, आपको तब जाके विश्वास होगा कि कितने लोग नहा रहे थे। आप देख सकते हैं वो सामने जितने भी हैं वो सारे नहाने में लगे हुए थे। तो हमें भी अंदर से दिलचस्पी हुई कि हम भी चलते हैं और नहाते हैं। सबको देख करके हमें भी अंदर से मोटिवेशन मिल रहा है कि हम भी नहाएंगे, डरेंगे नहीं। हमने अपने सामान को रखने के लिए 10 रुपये का एक पन्नी खरीदा। भाई यहाँ पर ठंड लग रही होगी, इसलिए गर्मी के लिए कुछ कर रहे होंगे, क्योंकि सारे नहा चुके हैं। जो हमने वो पन्नी खरीदा था वो सीधा यहाँ पर बिछाया और अपना सामान रखने के लिए तैयार हो गए, और यहाँ पर जल्दी जल्दी अपना सामान को रखे और जूता खोले और सीधा निकल गए कि देखते हैं कितना पानी ठंडा है कि नहीं। तो हम जा रहे थे नीचे, तो पानी छुए ठीक ठाक था, नॉर्मल था, लेकिन भाई ठंड तो बहुत ज़्यादा लग रही थी। लेकिन जो हमारे साथ में गए थे उनको नहीं बताने के लिए हमने फिर बोला कि वो मेरे साथ चलेंगे नहाने। ये देख सकते हैं आप सुबह का नज़ारा, सुबह सुबह कितना अच्छा लग रहा था यहाँ पे, मतलब सारे लोग, इतने सारे लोग थे नहा रहे थे, बहुत ज़्यादा ठंड थी। आप देख सकते हैं सुबह सुबह 6 बजे के आसपास थी, और ठंड में, ठंड सबसे बड़ी बात कि ठंड में इतनी भीड़। आप सोच सकते हैं हमने अपना कपड़ा खोल लिया था और हम भी नीचे उतर चुके थे, तो चलो अब चलते हैं नहा। जब नीचे गए और पानी को छुए तो ऐसा लग रहा वैसे करंट मार रहा है, लेकिन हमें क्या पता था कि इसी हम किसी और के लिए बोल रहे थे कि वो नहाएगा, हमें पहले जाना पड़ेगा नहाने। कोई नहीं,
एक दो मिनट वेट किए, देखे सबको, देखे कि सब नहा रहे हैं। हम भी गए, फिर से गए, अगेन कोशिश। मैं तो नहीं आऊँगा, ठंड लग रही थी, बार बार बाहर निकल गया था, बार बार बाहर निकल गया। ऐसे ज़बरदस्ती मेरे को भाई साहब धकेल रहे थे कि जाओ नहाओ नहाओ नहाओ, लेकिन मुझे ठंड लग रही थी और सोचा कि पांच डुबकी ही लगाऊंगा जल्दी जल्दी। पांच बार डुबकी लगाया मैंने, और वो भी पहले पूरा अच्छा से भी नहीं लगाया, क्योंकि पता है इतना पन ठंडा था कि पूरा एकदम शरीर कप गया था। और ये भाई साहब कमेंट पे कमेंट करते जा रहे थे मेरे को, कोई नहीं हम सुनते गए और अपना पांच डुबकी लगा और निकल गए बाहर। मर्जी है तुम्हारी, मर्जी है तुम्हारी। अब बस निकल चुके, अब बारी थी हमारी। अब हमने गंगा मैया को जल चढ़ाए और जल चढ़ा करके अब सीधे गंगा जी को प्रणाम किया और सीधा हमने निकल गए और जाकर के अपना कपड़ा पहन लेते हैं अपना बाहर जाकर के, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो हम अपना कपड़ा पहन करके रेडी थे और दूसरा भाई साहब जो हमारे साथ थे वो जा चुके थे ठंडे पानी में नहाने के लिए। ठंड तो लग रही थी लेकिन ये अपना वो नहीं बता सकते थे कि ठंड लग रही है, कोई नहीं फिर भी चल रही, देखते हैं इनका भी। नहा करके अब हम लोग जा रहे हैं, कहाँ चलेंगे चंदन? अब देख सकते हैं आप घर की पौड़ी पे मकर संक्रांति के दिन कितना भीड़ है। और ये चंदन बिना नहाए चल रहा है, नहाया है? नहा के ही आया था उधर से। अच्छा, नहा कर आया, नहा वहाँ करके चलिए, हम भी नहा लिए, हम भी जा रहे हैं। अब आप खुद देख सकते हैं कि हर की पौड़ी पे कितना भीड़ है मकर संक्रांति के दिन, पूरा हर की पौड़ी पे आदमी ही आदमी आपको नज़र आएंगे। देख लीजिए हर तरफ, किसी को अब ठंड नहीं लग रही है क्योंकि सारे गंगा मैया का देन है कि उनके इतने ठंडे पानी में किसी को ठंड नहीं लग रही है। सोच सकते हैं और खुद आप देख सकते हैं। कौन कंजूस भैया है? लगा लिए हम। अब हम निकल चुके थे हर की पौड़ी से बाहर और जा रहे थे आगे, देखते हैं कहाँ जाते हैं। टू बी कंटिन्यू। हर की पौड़ी से तो अब निकल चुके हैं, अब देखते हैं अगले पार्ट में कि हम लोग कहाँ जाते हैं, मनसा देवी जाते हैं या कहीं और जाते हैं। मिलते हैं और देखते हैं अगले वीडियो में आपको। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, वीडियो पे कमेंट जरूर करें।